दोस्तों आपको तो शायद पता ही होगा कि पिछले 24 फरवरी को सिनेमा हॉल में रिलीज हुआ है अक्षय कुमार और इमरान हाशमी का फिल्म सेल्फी। दोस्तों ये मूवी मलयालम का ड्राइविंग लाइसेंस मूवी का एक ऑफिशियल हिंदी रीमेक वर्जन है। इस मूवी में मुख्य अभिनेता अभिनेत्री का किरदार निभाते हुए देखा गया है अक्षय कुमार, इमरान हाशमी, नुसरत भरूचा और डियाना पेंटी को। चलिए जान लेते हैं करण जौहर का धर्म प्रोडक्शन का ये फिल्म बॉक्स ऑफिस में कितना हलचल मचा पाता है। फ्राइडे को रिलीज होने के दिन ये फिल्म 2.55 करोड़ का कमाई की है, जो कि ग्रैंड ओपनिंग में बहुत ही ज़्यादा कम है। ये फिल्म अक्षय कुमार का इस साल का पहला फिल्म भी है और तो और शनिवार को ये फिल्म 3.50 करोड़ की कमाई की थी। दो दिन में अगर देखें तो फिल्म अभी तक 5.85 करोड़ के आसपास ही घूमता हुआ नजर आ रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो बॉलीवुड के लिए एक बहुत ही प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन क्रिएट होगा। क्या आप देखे हैं या देखने वाले हैं इस फिल्म को? अगर देखे हैं तो ये फिल्म आपको कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताना, और ऐसे ही कंटेंट सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर देना हमारे इस चैनल को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।